झारखंड के लिए, राज्य के लिए खासकर आज प्रधानमंत्री जी की ओर से, केंद्रीय मंत्री मंडल की ओर से, रेलवे मंत्री जी की ओर से जो सौगात मिला है रांची को, रांची स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए सराहनीय, दो बात नहीं है इसमें, बहुत ही सराहनीय है। जब से मेरे साथ ही सुना, क्योंकि इसको हम देखे हुए बहुत 60 में, 60 के दशक में डाल्टनगंज से पहले दफे में ट्रेन में चढ़ा और रांची उतरा, छोटा सा स्टेशन था, कोई सुविधाएं नहीं थी, पानी भी नहीं था, यहाँ पर अपना पानी लेके चलते थे लोग बोतल में, जैसे भी हो, तो मैं भी एक बोतल में पानी लेके चला था, दिन रास्ता पर पीता रहा, यहाँ भी उतर करके नल से भरा आपकी, वो स्थिति थी 16 में स्टेशन की। एक मास्टर सर रेलवे मास्टर होते थे, छोटा सा रूम उनका था। आज जैसे जैसे समय बीता, इस रेलवे स्टेशन का भी विकास हुआ, रेलवे स्टेशन आगे बढ़ा, मैं इसका गवाह रहा हूँ। चंद्रेश्वर बाबू हमारे साथी हैं, एक जगह घर हम लोग ये भी गवाह रहे हैं। संजय सेठ जी यहीं बढ़े, यहीं पढ़े, ये भी गवाह रहे हैं। इतना बड़ा रूप इस स्टेशन का नहीं रहा है पहले, आज जब इसका पुनर्विकास हो रहा है और बेहतर सुविधाएं तो दी जाएगी, विकास होगा, विस्तारीकरण होगा, हेलो विस्तारीकरण होगा, इससे सुविधाएं बढ़ेगी लोगों, पैसेंजर की सुविधाएं बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये पुनर्विकास का काम जो रेलवे मंत्रालय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है, ये प्रशंसनीय मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि केंद्र सरकार का माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान झारखंड में पिछड़ा हुआ राज्य है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है, वहाँ उन्होंने आज एक दिन में 16,800 करोड़ की इनोग्रेशन किया, शिलान्यास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, बढ़िया मंत्री जी को, जो भी सरकार यहाँ पर है, तो केंद्र सरकार, भारत सरकार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे को, राज्य सरकार को मैडम जोशी धन्यवाद देना चाहूंगी, इसके लिए जिन्होंने भी प्रयास किया उन सभी का आभार। और मैं बस इतना ही चाहूंगी कि जो शिलान्यास आज हुआ है समय से पूरा हो। कई बार शिलान्यास होता है लेकिन सालों बीत जाते हैं और काम पूरा नहीं होता, तो जल्द से जल्द ये काम पूरा हो, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको उसमें लगना होगा, हम लोगों की जो भी मदद होगी हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ हवाई जहाज से जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यजीवी लोग हैं, उनके लिए भी सोचा जा रहा है और रेलवे को, रेलवे प्लेटफॉर्म को और दुरुस्त किया जा रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।